हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं अपने मम्मी के घर से, तो देखिए ना, रात को बारिश हुआ था और उसके बाद का नज़ारा देखिए। फूल तो एकदम जैसे पूरा मेरा घर पूरा खिल उठा है। और ये है लाल हिबिस्कस, जो कि हर रोज़ मेरे माता जी के चरणों में जाता है। आज थोड़ा सा कम खिला है क्योंकि धूप थोड़ा सा कम है ना, इसीलिए। और यहाँ पे तो बहुत सारा ही फूल खिलता है, अभी थोड़ा सा कम है। गेंदे के फूल भी खिलते हैं। और ये है बेल, बेल का पेड़। इसमें बहुत सारा बेल लगा था बट अभी थोड़े ही बचे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है हमारा बेल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मेरे प्यारे से पापा को मैं कलर लगाते हुए, ये है मेरे वर्ल्ड बेस्ट पापा, आई लव यू पापा। इसके बाद हमारा लंच भी कंप्लीट हो गया था बनाना। तो देखिए मम्मी ने कितने सारे फ्राइज़ बनाए हैं, बहुत सारे पकोड़े हैं। यहाँ पे दो टाइप की चटनी है, ये है लोटी, कुकुम्बर, नींबू, मिर्चा। और यहाँ पर है टॉक दाल और साइड में है काउंटी चिकन, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। इशिका, पापा चले इससे, देखो पापा चले इससे, रखो रखो रखो, बेशी बदमाशी ना। तो हस्बैंड आ गए हैं और मदर्स डे स्पेशल अपने सासू जी के लिए ढेर सारा सासू जी के पसंद का मिठाई लाए हैं। ये देखिए समोसा लाए हैं, तो गर्मा गर्म समोसा और मिठाई। अभी थोड़ी देर में घर चले जाऊंगे मम्मी को छोड़ के। तो हम चले घर की ओर। मामा कोथा चले जाच्छी हमरा? छोटी आंटी, मम्मी पापा को छोड़ के घर की बहुत आराम से चला गया। ईशिका को खाना खिलाने का झंझट, उसको नहलाने का झंझट कुछ भी नहीं था। आराम से आराम की अब फिर से तो घर चलते हैं। चलिए ये देखिए मेरे हस्बैंड को। टाइम बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मम्मी भी फिर से वही लटका हुआ मुँह, अच्छा नहीं लगता है, क्या ही करूँ, लड़की हूँ, आना तो पड़ेगा ही पति के घर, फिर भी इमोशनल हो ही जाते हैं हम लोग, है ना। तो आ गए हूँ अपना घर, बहुत सारा काम भी पेंडिंग मेरे लिए रुका हुआ है। तो हस्बैंड अकेले खाना बनाए थे तो उनको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला होगा साफ़ सफाई करने की, और जेंट्स लोगों का उतना आदत भी नहीं होता है हमारे तरह साफ़ करने का। तो मैं आते ही सब कुछ साफ़ करने लग गई थी। तो देखिए पहले से कितना साफ़ लग रहा है ना, कितना गंदा हो गया था। तो सफाई करते टाइम हाथ में ये ORS आ गया था और इसी का जिद करने लगे उसको पीना है, तो मैंने उसको दे दिया था। और मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया था कि हम कभी भी अगर वो पीना चाहे तो दे सकते हैं, तो डॉक्टर ने बोला था कोई हार्म नहीं है, आप दे सकते हो। और आने के टाइम हम लोगों ने क्या किया था, चाउमीन, मिक्स चाउमीन और चिकन फ्राइड राइस हमने पैकिंग करके ले आए थे, क्योंकि मुझे बहुत काम होता है आने के बाद। हस्बैंड उतना ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाते, उनका ऑफिस भी रहता है तो इस वजह से बहुत हेल्प होता है। तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा समझते हैं मुझे, तो बहुत ही हेल्प हुआ इससे। और लास्ट दो दिन के बारे में आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, मेरा कब मॉर्निंग का दोपहर हो जाता है, दोपहर का शाम हो जाता है और शाम का रात हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं बहुत ज़्यादा एकदम एनर्जी लेके मम्मी के घर से लौटी हूँ। और ईशिका का सुसु पॉटी क्या कराना है क्या नहीं, सब कुछ A to Z मम्मी देखती है। मुझे मतलब घर में जाने से पता ही नहीं चलता कि ईशिका भी मेरे साथ है। मुझे लगता है मैं एकदम पहले जैसे हो गई हूँ। पूरा ईशिका का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी ले लेती है। सच में मैं अपने मम्मी के बारे में क्या ही बताऊँ, उनके बारे में मैं जितना भी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। सच
मैं क्या बताऊँ। और मम्मी पापा तो ऐसे भी हमारे भगवान के रूप ही होते हैं, भगवान हमारे पास नहीं रह सकते हैं, इसीलिए माँ पापा के रूप में हमें दे देते हैं ताकि वो हमारे साथ रहे आशीर्वाद बन के। तो सच में सबके माँ बाप बहुत ही अच्छे और प्यारे होते हैं, बहुत सारा प्यार और सम्मान कीजिए अपने माँ बाप को, है ना। तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो गया था ये लाने के लिए, मैं बहुत सारा काम भी कर पाई, तो बहुत सच में यमी था ये नूडल्स और फ्राइड राइस, और साथ में मैंने लच्छा अनियन भी बना लिया था और थोड़ा सा चटपटा करके। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।